हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे, घर पे रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे और ध्यान दे रहे होंगे अपना खुद का। तो यहाँ पर बन रही है सुबह सुबह की चाय और चाय के साथ यहाँ पे नाश्ता भी बना हुआ है। तो नाश्ते में आज बना है उकड़पिंडी। एक्चुअली उकड़पिंडी मैं पहले डेली बनाती थी, जब से पापड़ा आया है तब से उकड़पिंडी कम हो गई है। और उसके बाद फिर इनके टिफ़िन के लिए भी हो गई थी यही, और इनके नाश्ते के लिए भी और हमारे नाश्ते के लिए भी यही हो गई थी। तो ये हम लोगों ने नाश्ते में खाई थी और इनका टिफ़िन अभी मैं पैक कर रही हूँ। एक्चुअली ये टिफ़िन में कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 2:30 बजे तक वहाँ पर रहते हैं तो भूख भी लग जाती है। और थोड़ा सा लेके जाते हैं जैसे कि नाश्ते टाइप का, तो वो लेके जाते हैं, कभी कभी रोटी सब्जी लेके जाते हैं। तो ऐसे आज ये उकड़पिंडी दी थी मैंने उनको बना के, तो वो लेके गए, तो मैंने थोड़ी सी उनको घर पे भी खाने के लिए दे दी थी उसके साथ ही। तो वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी तो मैंने चाय छान ली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर अपने दोनों के लिए चाय छान लूँगी और उसके बाद हम दोनों भी चाय पियेंगे साथ में, क्योंकि मैं इतने सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं थोड़ा सा, मतलब जब ड्यूटी जाते हैं तब, तो इतने सुबह सुबह ना मुझे मन नहीं करता है मेरा ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं ना बच्चे उठ जाने के बाद बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैं इनके साथ सिर्फ चाय ले लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उनको भी अच्छा लगे और हमारा एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए और एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बातें बातें हो जाए यहाँ पर। तो सुबह थोड़ा सा उनके साथ चाय ले लेती हूँ। तो अब टिफ़िन भी पैक हो गया है, तो टिफ़िन मैं उनको दे दूँगी और यहाँ पर चाय भी रेडी है, तो चाय हम लोग पी लेंगे। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप अभी भी अदरक की चाय पी रहे हो क्या? तो हाँ डियर, मैं अभी भी अदरक की चाय पी रही हूँ। पर जो मैंने दिखाया आपको ग्रीन, तो वो तुलसी के पत्ते हैं। तो ये डेली ऐसे ही तुलसी के पत्ते ला के रख देते हैं और पानी में डाल के रख देते हैं। तो बच्चे जैसे ही उठते हैं तो मैं तुलसी के पत्ते उन्हें खाने के लिए दे देती हूँ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो अच्छा रहता है इस टाइम। हाँ, अदरक की चाय का क्या है कि अदरक की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को ना अदरक या इलायची डाली हुई चाय ही पसंद आती है, प्लेन वाली चाय नहीं पसंद आती है। तो इस वजह से अभी भी अदरक ही डालते हैं। और अदरक डालना कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा हीट करता है बट कोई नहीं, हमें सूट हो जाता है, इसी वजह से हम लोग डालते हैं। और अदरक डालने से ना मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है आपका और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो इसीलिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये दो तरह के राजमा है, एक वाइट राजमा है और ये एक मतलब ब्लैक राजमा है। तो ये ना ब्लैक जो राजमा है ना यार, बहुत देर तक मतलब उसको सीटियाँ लगानी पड़ती है और बहुत देर लगती है उसे पकने में, तो इसी वजह से ना बहुत आलस आता है मुझे वो बनाने में। और फिर ये ना वाइट राजमा जल्दी पक जाता है, इसी वजह से मैं वाइट राजमा ही ज़्यादातर बनाती हूँ। वो वैसे के वैसे ही पड़ा है जब से लाया है, वो ना यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से वैसे के वैसे ही पड़ा है। और आज मैं बनाने वाली थी राजमा। और हाँ, यहाँ पे ना मैं बनाने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए सत्तू। और सत्तू कौन कौन बनाता है और कौन कौन खाता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मैं बनाती नहीं हूँ बट मुझे पसंद है खाना। एक्चुअली ये ना मम्मी ने भेजा था, मेरा जब भाई आया था उस टाइम मम्मी ने उसके साथ भेजा था, बट निकालने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब मैं भूल गई थी कि कुछ भेजा भी है मम्मी ने। बहुत सारी चीज़ें भेजी थी मम्मी ने, तो उसके साथ ये भेजा था तो मैं भूल गई थी इसको निकालना। बट आज पैकेट खोल रही हूँ और उसके साथ मैं बना रही हूँ सातू। और ना ये इस तरह से बनाया जाता है, मतलब पहले ना मैं गुड़ का पानी बना लेती हूँ और उसमें ये भिगो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस टाइम और ठंडक भी देता है। और ना कोई कोई सत्तू के लड्डू भी बनाता है, तो बहुत से लोग सत्तू के लड्डू बनाते हैं, मेरी नानी भी बनाती थी। और मेरी मम्मी नहीं बनाती है एक्चुअली सत्तू के लड्डू, मेरी नानी बहुत बनाती थी सत्तू के लड्डू। हम जब छोटे थे ना तो जब नानी के घर जाते थे तो सत्तू के लड्डू नानी बना के रखती थी हमारे लिए, ये बचपन की यादें हैं हमारी। और कौन कौन सत्तू के लड्डू बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सत्तू भी कौन कौन बनाता है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरह से है, और किस किस को सत्तू पता नहीं है वो भी बताना हमें कि कौन कौन लोग सत्तू नहीं बनाते और किस किस को सत्तू नहीं पता है। तो इस तरह से ये बन गया है, अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट बनेगा। तो बस ब्रेकफास्ट में ये मैं खा लूँगी क्योंकि उकड़पिंडी खाने का मन नहीं करता। हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बज रहा है 2:30 दोपहर के। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा घर पे रेडी क्यों हुई हूँ। तो मैं जा रही हूँ बाहर, इतने दिनों के बाद मैं ऐसी रेडी हुई हूँ आज। एक्चुअली बाहर जाना है, डीमार्ट जाना है। उन्होंने कॉल किया था मुझे अभी कि डीमार्ट चलोगी क्या, क्यों?
पहले क्या होता था, डीमार्ट 12 बजे तक ही ओपन रहता था, बट इन्होंने वहाँ पर कॉल किया था तो बोल रहे थे कि 5 बजे तक ओपन रहेगा आज से, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि ग्रॉसरी भी ख़त्म हो चुकी है और बाकी का भी सामान लाना है, तो इसी वजह से चलोगी क्या डीमार्ट। तो मैंने इनको तुरंत हाँ बोल दिया। पहले मेरा मन नहीं किया कि ये चलेंगे यार, मतलब इतने दिनों के बाद मैं बाहर निकल रही हूँ ना, तो ऐसे थोड़ा सा लग रहा है बाकी लोग गए होंगे बाहर, बट मैं नहीं निकली थी, मैं तो गेट के बाहर भी नहीं निकली थी यार। आप लोग तो भी मतलब थोड़ा सा घूमे होंगे इधर उधर कॉलोनी में, तो भी घूमे होंगे, बट मैं तो कहीं नहीं निकली हूँ। मेरे कॉलोनी वाले मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो कहाँ हो, तो मुझे मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि यार मैं घर के अंदर ही रह रही हूँ और बाहर मतलब इतने दिनों के बाद मैं आज बाहर जाऊँगी, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और ऐसा लग रहा है कि सडनली प्लान हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार नहीं जाना है क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, ऑप्शन नहीं है दूसरा। और इनको बोलती हूँ तो इनकी ड्यूटी का टाइमिंग भी अलग ही है, पहले 12 बजे तक डीमार्ट ओपन रहता था तो ये भी नहीं जा पाते थे, बट अभी 5 बजे तक रहेगा तो बीच भी जा पाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है सारा कुछ, बट फिर भी अभी भी डर लग रहा है यार, बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी जाना पड़ेगा। आप सेफ्टी का ध्यान रख के मास्क वास्क लेके और ये सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना पड़ेगा साथ में। और हाँ, बच्चों को घर पे ही रख रहा है क्योंकि बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, पर इतने धूप में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। पहले तो बिल्कुल मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने बोला ना मुझे कि यार चलते हैं क्या, तो मुझे लगा कि यार इतने धूप में और ये, तो ये बोल रहे थे कि मैं आता हूँ ड्यूटी से, उसके बाद 3 बजे निकल जाएंगे और 2 घंटे में शॉपिंग करके आ जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि सारी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है तो ऑप्शन नहीं है दूसरा, करना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा कितने दिन चलेगा, मतलब घर पे ही रहेंगे और कुछ लाएंगे नहीं, डरेंगे बाहर जाने से, दिल में डर तो रह गए, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा वहाँ पे। मुझे तो अभी बिल्कुल भी बाहर की दुनिया का आता पता नहीं है, मतलब क्या चल रहा है बाहर क्या नहीं, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं है मुझे, बट अभी आज देखेंगे क्या है, कैसी सिचुएशन है बाहर की, जाके देखती हूँ, पता चल जाएगा उधर से आने के बाद, बताती हूँ आप लोगों को भी कि क्या सिचुएशन है। और वहाँ का कुछ शूट कर पाऊँगी तो शूट भी करूँगी आपके लिए, दिखाने के लिए कि कैसी सिचुएशन है यहाँ पे, मतलब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। बट कितने दिन वो लोग भी घर पे रहेंगे, जो मजदूर जिनकी रोजी रोटी उस पे चलती है, तो वो तो बाहर निकलेंगे बेचारे, वो क्या कर सकते हैं, उनको अपना परिवार भी पालना होता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो तो निकलेंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, दिखा दूंगी मैं आपको बाहर जाने के बाद। और हाँ, हार पीछे ना सूख गया है तो मेरा ध्यान भी नहीं था, तो अभी निकाल देती हूँ इन हारों को। पूरे सूख गए थे इसलिए निकाल दिए। और हम लोग ना इसे क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे जमा करते हैं हार, और उसके बाद एक सूखा कुआं देख के उसमें डाल देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोई कुआं भी नहीं है, मतलब ऐसा सूखा कुआं भी नहीं है, तो इसी वजह से तो मैंने उसे एक पॉलिथीन में भर के रख दिए हैं। बस यहाँ पर निकल चुकी हूँ और अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था यार आने के लिए, तो इसी वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करें, इस टाइम सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और बच्चों को लेके जाना ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है इस टाइम, तो इसीलिए लेके नहीं जा रहे थे हम लोग। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों को घर पे छोड़ के जाना अकेले, बट वहाँ पर जाना भी ज़रूरी था इसीलिए जा रहे थे। और हाँ, आज 2 लोगों के बर्थडे है तो उनको विश भी करना है। तो पहला नाम है ललिता राजगे, उनका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे डियर ललिता, आपके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में, और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको, यही आपके बर्थडे के दिन प्रे करूँगी आपके लिए। और सेकेंड नाम है रीता वर्मा, ने कमेंट की थी कि उनके हस्बैंड का बर्थडे है आज, तो उनके हस्बैंड का नाम है अरविंद वर्मा, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद जी, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपके लाइफ में और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको, और आपके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए, यही प्रे करूँगी आज के दिन आपके लिए। फाइनली निकल चुकी हूँ बाहर इतने दिनों के बाद। मैं कितने दिनों के बाद बाहर निकली हूँ यार, मुझे अजीब सा लग रहा है आज, बाहर की दुनिया कितने दिनों के बाद देख रही हो। आप सोचो जो कैदी होते होंगे जिनको सजा मिलती होंगी इतने इतने सालों की, वो कैसे करते होंगे, उनको कैसे लगता होगा।
मैं दो ढाई महीने से ही नहीं निकलूंगी बाहर। वो सजा इसलिए दिया हुआ है ताकि कोई दोबारा ऐसा गुनाह ना करे एक बार आने के बाद। हाँ ना, आपके साथ शेयर करते होंगे ना वो लोग। अरे बहुत शेयर करते। तो कितना अजीब सा लगता है यार मुझे तो बिल्कुल। बट लोग है, बट इतना इतने भी ज्यादा नहीं है। पहले जितने रहते थे, मतलब गाड़ियां वगैरह चलती थी, उतनी नहीं है। एक दो गाड़ी दिख रही है ऐसे रोड पे, बस इतना ही चल रहा है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग, पालन भी कर रहे हैं और मास्क वास्क भी लगा रहे हैं, सबके मुंह पे मास्क दिख रहा है। धूप टेम्परेचर ज्यादा नहीं। हाँ, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। दोपहर में निकले हैं ना हम लोग, मुझे तो भी अजीब सा लग रहा है ऐसे। टेम्परेचर ज्यादा नहीं, 43 है, 43-44 इसी वजह से। कैसे लोग 43 नहीं 46 है आज का। हाँ कल 43 था 46। आपको तो ऐसे अलग लग रहा होगा, मैं तो आते रहता हूँ। नहीं, ये तो डेली निकलते हैं बाहर, बट मुझे तो अजीब सा लग रहा है यार आज। मैं सब लोग कितने दिनों के बाद ये रास्ता देख रही हूँ, कितने दिनों के बाद बाहर निकली हूँ। पिंजरे से पंछी आजाद हो गए। हाँ, पंछी आजाद हो गया पिंजरे से आज। बापरे इतनी शॉपिंग, आज तो लिमिट क्रॉस कर दी शॉपिंग ने। मतलब मैंने देखा था इतना, मतलब शॉक हो गई थी मैं, इतनी ज्यादा शॉपिंग। मेरे को पहले से मालूम था। हाँ नहीं, इन्होंने तो मुझे पहले ही बताया था कि 10,000 तक शॉपिंग करेंगे, बट ये तो 11,000 से भी ऊपर चली गई शॉपिंग। ये देखिए यहाँ पर, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, 11,000 से ऊपर चली गई शॉपिंग। बाप रे बाप, लिमिट क्रॉस कर दिया आज की शॉपिंग ने। वैसे हमारी शॉपिंग मंथली ग्रॉसरी जो होती थी वो 4,000-5,000 की होती थी, बट और ज़्यादा भी होगी ना तो 6,000-7,000 तक हो जाती थी, बट इस बार तो डबल हो गया यार। ये 12,000 की होगी ना शॉपिंग। बाप रे बाप, 12,000 की शॉपिंग, कितना खाने वाले। और नहीं, हम लोगों ने सोचा कि यार बार बार आने से अच्छा है, इसलिए नहीं, फालतू में एक बार ले लेते हैं सामान जितना चाहिए उतना। पता नहीं अभी ये कितने दिन चलेगा, बट ले लिया जो चाहिए था वो। और फिर अरे ये मटके देखो कितने सुंदर है, ये देखिए कितने सुंदर मटके। हाँ, लेना मन कर रहा है यार। देखते प्राइस। चलो, ये पीने के पानी के है। हाँ, पीने के पानी के, देखते ना प्राइस तो, देखते वहाँ पर चलते है ना। बहुत सुंदर सुंदर मटके मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, जो जो शॉपिंग की है वो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर मटके हैं। चलो प्राइस तो पूछ लेते। उतरो ना फिर नीचे। हाँ, ये कितने ला है? 350 कितने का? 350 का। ये नीचे वाला ब्लू? ये। हाँ, 400 का। भैया इतना महंगा कैसे? हाँ, उसके ऊपर ढक्कन है क्या? ढक्कन है, कुछ कम करो। ये ब्लू वाले का, नीचे वाले का। हाँ ठीक से बताओ इसका। 380 दे। कुछ भी बोल रहे हो भैया, नहीं बोलता, कुछ भी बोलने से थोड़ी बिकता मटका। बराबर बताओ। इनसे पूछती हूँ एक मिनट। लास्ट 350 बोल रहे। मिट्टी की है? मिट्टी का है, डिजाइनर है, बट लास्ट 350 बोल रहा है। कितने में मांगो?
250 नहीं कवर फिर अपने पास ऑलरेडी है, अगर उसको चाहिए तो सिर्फ कलरिंग ही किया हुआ उसने और कुछ नहीं। और अभी देखो बारिश का मौसम शुरू होने वाला, अभी रहने दो, क्या महीना जून है, रहने दो, देख लो फिर आपने ये साल भर वैसे ही रहेगा मेरे ख्याल से। अरे यार अच्छा लग रहा था यार, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा, लेकिन यूज तो भी तो होना चाहिए था। 350 बोल रहा था लास्ट, 350 बोल रहा था, बट ये बोल रहा है मना कर रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। हस्बैंड ने मना किया तो उनके आगे तो जा नहीं सकते अभी अगले महीने। अरे है मटका वैसे घर पे, वो मटका ही मतलब वही यूज कर रहे हैं हम लोग, बट ये थोड़ा सा डिजाइनर था, अच्छा था दिखने में, तो इसी वजह अगर मन किया ना घर पे जाके मेरा मूड चेंज हो गया ना तो इनको मैं भेजूंगी दोबारा से लाने के लिए। मेरा ना एक चीज मैं देख लेती हूँ ना उसी में मन अटक जाता है, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा। और हाँ मुझे वहाँ पर ले नहीं रहे थे अंदर, टेम्परेचर बढ़ गया था, मतलब गाड़ी में एसी चल रही थी फिर भी जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे और वहाँ तक गए ना डीमार्ट में अंदर, हाँ डीमार्ट में अंदर गए, हाँ बंद नहीं हुआ क्या वो, अच्छा अच्छे से बंद नहीं किया था। डीमार्ट के अंदर गए तो मतलब वहाँ से बाहर एक्चुअली अंदर पार्किंग में गाड़ी लगाने नहीं दे रहे थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने बाहर रखी थी गाड़ी, तो वहाँ से सिर्फ अंदर तक जाने तक मेरा टेम्परेचर हाई हो गया था। ये मुझे वहाँ पर चिढ़ा रहा है, सबको बता रहा है वहाँ पर मैडम का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, बोल रहे थे ये अंदर चले गए, मेरी वो चेकिंग हो रही थी ना तो मैं बाहर थी, तो इसीलिए फिर उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, पहले हैंड सैनिटाइजर दिया हाथों में, उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, तो मेरा टेम्परेचर हाई हो गया था, मतलब 100 से ऊपर चला गया था। तो ये बोल रहे हैं ये अंदर ही मेरा वेट कर रहे थे, फिर ये बाहर आए देखने के लिए कि आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, फिर देखा तो मेरा टेम्परेचर हाई था, तो इसी वजह से फैन के नीचे मुझे खड़ा कर दिया था कि टेम्परेचर लो हो जाना चाहिए। तो बहुत बार वेट किया, नहीं बहुत बार वेट किया, मतलब 2-3 बार उन्होंने चेक किया तो मेरा टेम्परेचर लो ही नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर फिर रुके हम लोग, ये फिर यहाँ इनको पूछा, उन्होंने बात बात की मेरी वजह से, क्यों मतलब पुलिस बताया तो इसी वजह से लिया क्या अंदर, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है टेम्परेचर, उनके लिए तो सारे सेम है ये, नहीं इन्होंने मतलब इन्होंने उन्होंने पूछा कि जैसे ये लोग ये बोल रहे थे ना उनको कि आप लोगों की ड्यूटी तो कोरोना स्टार्ट हो गया तब से होगी, बोले तो ये बोल रहे कि हमारी भी वैसे ही है, हमारी भी ड्यूटी कोरोना हो या कुछ भी हो होती है, तो बोल रहे थे कि आप क्या पुलिस में हो क्या, तो बोले कि हाँ, तो इसी वजह से इनको लगा कि उन्होंने भेजा, फिर चेक किया मेरा तो 99 पे आ गया था टेम्परेचर, तो इनको लगा कि पुलिस बताया तो इसी वजह से अंदर लेके गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं नहीं मैं पुलिस बताने की बात नहीं, अभी लोगों की पुलिस के बारे में कितना इज्जत होगी मैं ये बोल रहा हूँ, जो पहले लोगों ने किया, अभी अच्छा टाइम है कि मतलब लोगों ने लोगों के दिल में रिस्पेक्ट बढ़ रही है पुलिस लोगों के लिए। हाँ। वैसे भी थी, पहले भी थी, थी पर कुछ लोग बराबर है वो हो जाता है, सब लोग एक जैसे थोड़े होते हैं, लेकिन अभी जो काम किया है पुलिस ने तो सब लोग उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा डॉक्टर पुलिस और जो नर्स वगैरह है उनके बारे में, जो भी है तो उनके बारे में सारे मतलब थिंकिंग चेंज हो गई है सबकी, और वही अभी ऐसी थिंकिंग इन्होंने बना के रखना चाहिए, और कुछ नहीं, जो लोगों की दिल में इज्जत है अगर बरकरार रखे तो अच्छा, जैसे आर्मी की है, आर्मी की तो है और हमेशा रहेगी। और हाँ चलिए घर पे चलते हैं, बच्चे अकेले यार, मतलब पहली बार हम लोग अकेले छोड़ के आए, बच्चों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, डीमार्ट ना कभी अकेले नहीं जाते हम लोग, हमेशा बच्चों को लेके जाते हैं, और अद्विक रो भी रहा था आने के लिए, बट रिस्क है वहाँ पर। और मैं ना मैंने पानी की बोतल ली थी, बट वहाँ पर ये बोल रहे थे कि पानी की बोतल मत लो वहाँ पर, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने इनको बोला कि पानी की बोतल लूँ क्या अंदर, तो ये बोल रहे थे कि नहीं वहाँ का पानी पी लेना, बट मेरा पानी पीने का मन नहीं किया यार, मैं इतनी मुझे प्यास लगी थी जोरों से, वहाँ तक गई मैं फिल्टर तक, फिर भी वापस आ गई, मैंने बोला नहीं यार पीना नहीं है, कंट्रोल करो थोड़ा सा, यहाँ पर आके तुरंत मैंने गाड़ी में आके पानी पिया। फिर चले जाते हैं घर पे, बच्चे वेट कर रहे हैं यार, और बहुत थक गई हूँ, हाँ 4:18 हुए हैं, मतलब कितने बजे निकले थे हम लोग, तीन बजे निकले थे और अभी 4:18 हो रहे हैं, मतलब 2.5 घंटा तो लग ही गया हमें घर तक पहुँचने तक, 2.5 घंटा लगेगा, तो चलिए अभी पहुँच ही गए हैं लगभग घर पे, नहीं सॉरी डेढ़ घंटा, पागल हूँ क्या मैं, 1.5 घंटा
ढाई घंटा बोल रही हूँ। अरे ढाई घंटा कैसे, दो घंटे का तो हमने सोचा ही था पहले। मेरा दिमाग टेम्परेचर अभी भी हाई लग रहा है। बराबर है, चलो चलो चलते हैं घर पे। अरे यार चलिए, यहाँ पर सारा सामान रख दिया है, मतलब जो क्या बोलते, तो देखिए आटे के कितनी, बाप रे, 1 2 3 4 मतलब 40 केजी आटा लाया, और ये सारी चीजें, बहुत सारा सामान लाया है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये थैली भर के है, ये है, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। तो अगर आपको चाहिए वो, मतलब क्या क्या लाया है अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट अभी मुझ में कैपेसिटी नहीं रही है यार, मतलब पहली बार बाहर गई हूँ ना कितने दिनों के बाद, तो एकदम थक सी गई हूँ। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये बहुत ही क्यूट सा लाया है आज। ये क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर, इसका हैंड वॉश वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। अरे हाथ दर्द कर जाते हैं पकड़ते पकड़ते इसको। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और लाइक करना मत भूलिएगा यार। और थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं, आधा घंटा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद उठूँगी क्योंकि अभी 5:30 बज गए हैं ऑलरेडी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, लाइक करना मत भूलिएगा।